वहीं लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में पूर्व आईपीएस समेत चार अन्य को रिकवरी नोटिस भेजने की तैयारी है। यहां पुलिस ने सूची से बाहर किया था चार लोगों का नाम और सवाल उठने पर पुलिस बैकफुट पर आ गई। पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी को रिकवरी नोटिस भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता सदफ जाफर को भी नोटिस भेजे जाने की तैयारी है। मोहम्मद शोएब और दीपक कबीर को भी रिकवरी नोटिस भेजा जाना है। परिवर्तन चौक पर हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद है ये चार। तो पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी जिनसे मिलने के लिए प्रियंका गांधी जा रही थी, उस दौरान पूरा एक सियासती नाटक भी सामने आया था। उनके खिलाफ भी कांग्रेस नेता सरफ जाफर से भी मिलने, परिवार वालों से मिलने गई थी। उनके खिलाफ भी साथ ही साथ मोहम्मद शोएब और दीपक कबीर, इन चारों को नोटिस भेजा जाएगा। आपको बता दें 19 दिसंबर को हिंसा का यह मामला आया था और परिवर्तन चौक पर जो हिंसा हुई थी उसमें कांग्रेस के तामों चारों के नाम सामने आए थे। हालांकि एसआर दारापुरी पूर्व आईपीएस हैं और ऐसे में समाज सेवी भी हैं, उनके खिलाफ भी हिंसा भड़काने का नोटिस भेजा गया था। अब रिकवरी नोटिस उनके घर पर भेजा जाएगा। फिलहाल ये चार लोग हैं जिनके खिलाफ, ये चार आरोपी जिनके खिलाफ रिकवरी नोटिस भेजा जाएगा। इस तरह से लखनऊ हिंसा से जुड़ी ये अहम खबर। कांग्रेस नेता सदफ जाफर का भी इसमें नाम है, मोहम्मद शोएब का नाम है, दीपक कबीर को भी रिकवरी नोटिस भेज जाने की खबर सामने आ रही है। लखनऊ में 19 दिसंबर को जिस तरह से वहां हिंसा भड़की थी, ये देखिए उसी समय की उसी दिन की ये तस्वीरें, किस तरह से वहां पर आगजनी की गई थी, किस तरह से वहां पर हिंसा भड़काई गई थी। ऐसे में पुलिस ने सूची से चार लोगों का, इन चार लोगों का नाम बाहर कर दिया था और बाहर करने पर पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए थे, जिसके बाद पुलिस अब बैकफुट पर आई और इन चारों को अब रिकवरी नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें पूर्व आईपीएस दारापुरी का नाम भी शामिल है, जिनसे मिलने के लिए प्रियंका गांधी ने किस तरह से सियासी ड्रामा किया था ये हर कोई जानता है। तो हमारे असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आलोक, अगर देखें ये चार नाम ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस काफी मुखर रही और इन चारों नामों पर जिस तरीके से नोटिस भेजे गए या केस दर्ज किए गए उसको लेकर भी कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, अब ऐसे में रिकवरी नोटिस की बात आ रही है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले पर? देखा जाए तो एक बड़ा मामला था, क्योंकि जिस तरह से 19 दिसंबर को राजधानी के परिवर्तन चौक पे जो है बड़े पैमाने पर भीड़ एकत्रित हुई थी, हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ था, तोड़फोड़ की गई थी, तो उसमें 46 लोगों की सूची बनाई गई थी। हालांकि बाद में उसमें चार लोगों का नाम निकाल दिया गया था और ये चार वही लोग हैं जो अभी फिलहाल जेल में बंद है, जिसमें पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी है, कांग्रेस नेता सदफ जाफर है, मोहम्मद दीपक कबीर है, मोहम्मद शोएब है, जिनसे भी हाल ही में प्रियंका गांधी ने भी मुलाकात की थी। लगातार जो है सरकार पर हमलावर भी है प्रियंका गांधी, सदफ जाफर और एसआर दारापुरी के मामले को लेकर, तो इन लोगों का नाम सूची से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठा कि आखिर क्यों नाम बाहर कर दिया गया। सवाल यही है कि पहले इन चारों का नाम बाहर किया गया, अब इन चारों को रिकवरी नोटिस भेजे जाने की बात कही जा रही है, किस दबाव के चलते किया जा रहा है? देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव जरूर है, क्योंकि जिस तरह से सूची में नाम शामिल किया गया, फिर सूची से नाम बाहर कर दिया गया, हाँ। और फिर अब सूची में नाम शामिल करके उनको रिकवरी नोटिस भेजे जाने की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं इससे जो सूची से नाम बाहर किया गया इसको लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि जब पहले सूची में नाम शामिल था तो फिर बाहर क्यों किया गया। तो बहरहाल अब कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट पर आई है और फिर से इनको रिकवरी नोटिस भेजे जाने की तैयारी है, इनका नाम भी सूची में शामिल है। और हालांकि ये लोग चारों लोग पहले से ही लखनऊ जेल में बंद है 19 तारीख की घटना को लेकर। जी ठीक, आलोक आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर हम आपका रुख करेंगे।